Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today, we shall discuss about lenses. Lenses. Last class में मैंने जो है critical angle पर based numerical decide किया था, discuss किया था. एक मैंने एग्जांपल नंबर 34 और 35 छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो है यहाँ पे समझ में नहीं आएगा. वो जब आप जो है अभी आगे क्लासेस चलेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा आपको कैसे उसको करेंगे. उस पर बेस्ड जो है दो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी है, वो सब आप कर लेंगे. वो आप भी ध्यान रखिएगा कि मुझसे पूछ लेंगे जब आप जो है स्कूल आएँ. इसलिए मैं अब नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ लेंसेस. सबसे पहले हमें जानना है कि लेंस क्या होता है. क्योंकि जस्ट पहले हम रिफ्रैक्टिंग मीडियम पढ़े हुए हैं, रिफ्रैक्शन. तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है ग्लास का जो रिफ्रैक्शन के फेनोमेना पे वर्क करता है. रिफ्रैक्शन के यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है. अब बात आती है लेंस की, तो हम बोलेंगे लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सर्फेसेस. टू स्फेरिकल सर्फेसेस यानी लेंस एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. रिफ्रैक्टिंग बोल दिए तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, लाइट पास कर सकती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करेगी. तो बोल फिर से बोलेंगे लेंस इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच बाउंडेड बाई टू कर्व सर्फेसेस. अब बात आती है कि लेंस के टाइप्स कितने होते हैं. तो बेसिकली लेंस जो है दो तरह का होता है. मेनली जो है लेंस दो तरह का होता है. पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. कन्वर्जिंग इसको हम बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. सेकेंड होता है हमारा कॉनकेव लेंस, या इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. टेंथ में आपने पढ़ा भी होगा. इन दोनों का डेफिनेशन क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को. कॉन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस इन विच बोथ सर्फेसेस आर बल्गिंग आउट. बल्गिंग आउट किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. या हम ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज दैट लेंस इन विच द सेंट्रल पार्ट इज थिक एंड एजेज आर थिन. किनारे जो है थिन होते हैं, पतले होते हैं, और सेंट्रल पार्ट थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है. ये भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं. दूसरा है कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस आर दोज लेंस विच आर थिन इन सेंटर एंड थिक एट एजेस. ये सेंटर पे थिन होता है और एजेस पर क्या होता है, किनारों पर थिक होता है. तो देखिए यहाँ थिन है, यहाँ थिक है, चौड़ा है. तो ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस. ये आप जानते भी होंगे. अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव कितने टाइप के होते हैं. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों जो है तीन टाइप के होते हैं, ठीक है. पहला होता है बाई कॉन्वेक्स, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है. दूसरी ओर कॉनकेव जो लेंस है ये भी थ्री टाइप्स का होता है. यहाँ पे देख लेते हैं, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉनकेव. सॉरी कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक्सो
कॉनकेव, ठीक है। तो दोनों लेंसेस तीन तीन टाइप के होते हैं। अब हम जरा देख लें कि बाई कॉन्वेक्स कैसा होता है। तो यही आपका बाई कॉन्वेक्स है। बाई मतलब टू, कॉन्वेक्स यानी कि जिस लेंस के दोनों फेसेस कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स का मतलब बल्गिंग आउट हो, उसको हम कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। और ये आपका है बाई कॉन्केव लेंस, जिसके दोनों सरफेस कॉन्केव हो और इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो। दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स आपका होगा, एक प्लेन रहेगा दूसरा कॉन्वेक्स रहेगा, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। अगला है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स का जो पहला सरफेस होगा वो कॉन्वेक्स होगा। देखिए ये कॉन्वेक्स हो गया, ओके। और दूसरा सरफेस जो है कॉन्केव होता है। तो देखिए ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो कॉन्केव सरफेस है। तो ये हो गया आपका कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ठीक। ये बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स। अब आते हैं हम बाई कॉन्केव। बाई कॉन्केव ये है, प्लेनो कॉन्केव बनाएंगे तो एक प्लेन रहेगा और दूसरा सरफेस एकदम एज इट इज रहेगा, जो यहाँ पर है बीच में से यही समझिए काट दिया। तो ये हो गया प्लेनो कॉन्केव। नेक्स्ट है कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो फर्स्ट सरफेस इसका कॉन्केव होता है और दूसरा जो है कॉन्वेक्स होता है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। तो आपने देखा दो तरह के मेनली टू टाइप्स के लेंसेस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कॉन्केव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और ये जो है तीन तीन तरह के होते हैं, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स जिसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं जिसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हों, प्लेनो कॉन्केवो, और यहाँ पर ये बाइकॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो ये हमारे लेंसेस के टाइप्स हो गए। अब जो है हमें देखना है कुछ डिफिनेशन जो है स्फेरिकल लेंसेस से रिलेटेड, जिसको आपको कॉपी में नोट्स बनाना है, ठीक है। आप अपने बुक के हेल्प से जितने भी टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं इनका रे डायग्राम के साथ जो है बुक के हेल्प से डेफिनेशन जो है नोट कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड डेफिनेशन है। अब इसमें जो है कुछ डेफिनेशन है लेंसेज से रिलेटेड, डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब कोई लेंस हो तो इसमें दो कर्व्ड सरफेस है, एक इधर है। अगर इसको पूरा स्फीयर बनाए तो हमारा बड़ा सा स्फीयर बनेगा। जैसे देखिए अगर छोटा सा हम एक लेंस बनाते हैं तो इसको पूरा अगर एक स्फीयर बनाए जिससे वो काट के निकाला गया है तो ये आएगा, इससे पूरा एक स्फीयर बनाए तो ये भी काटेंगे तो ये आएगा। यानी कि एक स्फीयर के ही पोर्शन होते हैं, इस स्फीयर का ये पार्ट है और इस स्फीयर का ये पार्ट है। तो इन जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, इन कर्व्ड सरफेसेस, जैसे ये जो सरफेस है इसका सेंटर इधर होगा भी, क्योंकि इसका पार्ट है। अगर ये मिटा दिया जाए तो देखिए ये पूरा स्फीयर है, इसका पार्ट है। तो इस सरफेस का जो सेंटर होगा इधर होगा, और ये जो सरफेस है इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा। अगर ये ना रहे तो देखिए ये आपका स्फीयर बना रहा है, ठीक। लेकिन चूंकि ये स्फीयर से काट के निकाल लिए गए हैं, ये लोग नहीं हैं यहाँ पे, इनको हटा दिया गया है काट के, लेंस बन चुका है अब ये। तो जो ये सरफेसेस हैं इन्हीं के सेंटर को, जिस स्फीयर से निकाला गया है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चूंकि दो सरफेसेस हैं
और मे भी ये दोनों के सेंटर अलग अलग हो सकते हैं, यानी दोनों स्फीयर की जो साइज है, रेडियस है, वो छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इसको C1 बोलते हैं, इसको C2। दूसरे वाले सरफेस का ये पहला सेंटर है और इस पहले वाले सरफेस का सेंटर इधर है, ध्यान रखना है आपको। ओके, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे इसको एक डेफिनेशन बनाएंगे, तो हम ये कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच, या वो तो मिरर के लिए ठीक रहेगा, ऐसे हम कह सकते हैं, द सेंटर ऑफ द सरफेसेस ऑफ लेंस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सरफेसेस ऑफ लेंस फ्रॉम विच द लेंस इज टेकन आउट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सुन लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द सरफेस ऑफ लेंस इज टेकन आउट, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का उस स्फीयर का सेंटर है जिससे ये सरफेस जो है क्या किया गया है, लिया गया है या काटा गया है। ओके, सिंस देयर आर टू सरफेसेस देन देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाई सी वन एंड सी टू, दोनों को अलग अलग नाम से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्लियर इतनी बात? अब आगे हम चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें फिगर को दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों के ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ये पहला सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ है, और ये दूसरा सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ है। वैसे ही इस पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, क्योंकि कर्वेचर इधर ही है, अभी स्फीयर बनाओगे तो इधर मिल जाएगा आपको C1। दूसरे वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा आपका C2। दोनों के दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले करके इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, जिस सरफेस का सेंटर है, ये किस सरफेस का सेंटर है, बाहर वाले का, तो इस सरफेस से ले करके इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, चूँकि दोनों तरफ सेंटर हैं तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे यहाँ पर, लेकिन होता तो सरफेस की तरफ है तक है, लेकिन चूंकि ये लेंस बहुत थिन होता है, लेंस जो है ये इतना मोटा बस फिगर में दिखाने के लिए बना है, बहुत थिन होता है ये, इसलिए जो लेंस का मिडिल पोर्शन होता है सेंटर तक, यहीं तक हम इधर R1 मानते हैं और इधर तक का ये दूरी R2 मानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम डेफिनेशन देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, इस रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल सर्फेसिस आर टेकन आउट, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है जिससे ये स्फेरिकल सर्फेस लिए गए। इट्स ओके, देन देयर आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। इट्स ओके, इन सिमिलर वे द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, हो सकता है दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, ठीक है, या फिर दोनों जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक ना, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, दोनों सरफेस के कर्वेचर पे डिपेंड करेगा, यानी जो लेंस बनाने वाली कंपनी है वो किस तरह की बनाए। अगला हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग
बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये लाइन है ना सीधी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन कर रहा है जो, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। C1 C2 जो लाइन दिख रहा है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर क्या होता है? तो देखिए होता क्या है, कोई लाइट रे अगर लेंस के बिल्कुल सेंटर से होकर के जाए तो वो डेविएट नहीं होता है, सीधे चला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से भी अगर कोई लाइट रे इससे जाता है, वैसे तो लेंस से कोई भी लाइट रे जाता है तो वो डेविएट हो जाता है, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, लेकिन ऑप्टिक सेंटर से जाने वाली लाइट रे जो है अनडेविएट रहती है। तो ऑप्टिक सेंटर को हम इसी से डिफाइन कर लेते हैं, ऑप्टिक सेंटर इज दैट पॉइंट इनसाइड द लेंस इन विच व्हेन अ रे इज पास थ्रू दैट पॉइंट इट इज अनडेविएटेड। इट्स ओके, यानी कि ऑप्टिक सेंटर को हम जो है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिक सेंटर जो होता है, या ओ से भी कई जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ फॉर ऑप्टिक सेंटर। तो ऑप्टिक सेंटर यही है आपका, ये पॉइंट ऑप्टिक सेंटर है, यहाँ से जाने वाली लाइट रे अनडेविएटेड है, डेविएट नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिक सेंटर। अब जो है हम लोगों को फोकस देखना है और साइन कन्वेंशन पढ़ना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।